नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डीएस राठौड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र ग्रह की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा के फल को लेकर। महादशा शुक्र की हो और उसमें अंतर चंद्रमा का हो तो ये अवधि 1 वर्ष और 8 महीने की होती है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा उच्च राशिगत है, मित्र राशि या स्वराशि में स्थित है, शुभ ग्रहों द्वारा युत या दृष्ट है, यानी शुभ ग्रहों के साथ युति बन रही है अथवा दृष्टिगत हो रहे हैं या शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, इसी तरह से शुक्र भी कुंडली में उच्च के हैं यानी उच्च राशिगत हैं, स्वग्रही या मित्र ग्रहों की राशि में स्थित हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो ये स्थिति कुंडली में शुक्र और चंद्रमा को शुभता प्रदान करती है, बलवान बनाती है। और अगर ये स्थिति है कुंडली में, तब शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा आने पर जातक को 1 वर्ष और 8 महीने तक अनेक प्रकार के सुफलों की प्राप्ति होती है। अगर जातक व्यापार और व्यवसाय में संलग्न है, यानी विशेष रूप से अगर वो सफेद वस्तुओं और श्रृंगार की वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय कर रहा है, चूँकि शुक्र और चंद्रमा दोनों ही सफेद वस्तुओं के कारक ग्रह हैं, प्रतिनिधि ग्रह हैं, तो अगर जातक श्वेत वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय कर रहा है अथवा श्रृंगार की वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय कर रहा है, तो जातक को शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा आने पर उस व्यापार और व्यवसाय में बहुत सारा लाभ प्राप्त होता, बहुत सारा मुनाफा होता है। साथ ही साथ इस अवधि में जातक की जो काम वासना है वो तेज हो जाती है, प्रबल हो जाती है, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है, विलासिता का कारक है, और चूंकि चंद्रमा भी भोग और विलास का कारक है, मन का कारक है, और जितने भी सांसारिक सुख भोगे जाते हैं वो उसके लिए मन प्रबल होना जरूरी है। तो शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा आने पर अगर शुभता लिए हुए कुंडली में तो जातक को भोग विलास के प्रति रुझान होगा। साथ ही साथ में जातक कला, कविता, काव्य आदि क्षेत्रों में ख्याति अर्जित करके धन और मान सम्मान की प्राप्ति करता है। चूंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों ही जल तत्व ग्रह हैं और स्त्री कारक ग्रह भी है, तो जब ये दोनों साथ होते हैं तो जातक कलात्मक खोज और सौंदर्य जैसे संगीत, फूल, पुष्प, सुगंध, ललित कला आदि का शौकीन हो जाता है। और चूंकि ये दोनों स्त्री ग्रह लाभकारी भी हैं, शुभ ग्रह माने गए, अत्यधिक विनम्र ऊर्जा कैरियर के मामलों में अनेक समस्याओं का कारण भी बनता है अगर शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा हो और कुंडली में शुक्र और चंद्रमा अशुभता लिए हुए हो। उस स्थिति में पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानी भी बनी रहती है, लेकिन शुभता होने पर जातक आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव भी करता है, यानी जातक आध्यात्मिक अनुष्ठान करेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा। अगर कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति प्रतिकूलता लिए हुए, अशुभता लिए हुए, यदि शुक्र अशुभ प्रभाव युक्त है और चंद्रमा नीच राशिगत या निर्बल है, शत्रु राशि में है या पाप ग्रहों से पीड़ित है, पाप ग्रहों से दृष्टिगत है या पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो उस स्थिति में जातक की जो काम कुंठाएं हैं वो जागृत हो जाती है और उसकी वजह से वो त्रस्त रहता है। काम वासनाएं उस पर इतनी हावी हो जाती है कि जिसकी वजह से जातक हमेशा परेशान रहेगा। मोह, लोभ और ईर्ष्या के कारण जातक की समाज में निंदा होती है। नाखून, सिर, दांत आदि में चोट लगने का भय रहता है या उसमें पीड़ा होती है। वायु और पित्त की बीमारी जातक को इस बीमारी से सामना करना पड़ता है, वायु और पित्त की बीमारी से, और इस स्थिति में जातक के धन का नाश हो जाता है। जातक को तिल्ली के रोग से भी पीड़ा होती है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति बलवान है, शुभता लिए हुए है, तो शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा आने पर जातक को अनेक अनेक प्रकार के सुफलों की प्राप्ति होती है। धन धान्य, वैभव, ऐश्वर्य, अनेक स्त्रियों के साथ, अनेक रमणियों के साथ रमन करने का उसे अवसर मिलता है। जिस भी व्यवसाय में जातक है उस व्यवसाय व्यापार में जातक को लाभ प्राप्त होता है। और अगर कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति प्रतिकूलता लिए हुए, निर्बलता लिए हुए, अशुभता स्थिति में है, तो फिर जातक को अनेक प्रकार के अशुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा का फल कथन। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र की महादशा में मंगल की अंतरदशा के फल को लेकर के। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।